उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको देखने में ज़्यादा देरी आपने ना करी हो और आप किसी स्कैम के या फ्रॉड के शिकार ना बने हो। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे मैं लगातार कोशिश करता हूँ आपको, आपके अपनों को ऑनलाइन स्कैम, फ्रॉड या थ्रेट से बचाने की, जो लगातार दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ रहे हैं और जिसके ज़्यादातर विक्टिम या तो कॉलेज के स्टूडेंट्स बनते हैं या फिर मैरिड वुमेन्स या फिर ऐसी ऐसे लोग बनते हैं जो पहले से ही लाइक एक एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहे हैं, जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी पार्टनर को सर्च कर रहे होते हैं और ऐसे ही मौके पे ये स्कैमर टकरा जाते हैं और उनकी पूरी रही सही लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट या फिर कर्नाटका, ये दो स्टेट हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग इन स्कैम्स में विक्टिम बनते हैं। तो प्लीज़ केयरफुल, और अगर आप इन स्टेट्स हैं तो ये वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ठीक है। और इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी है, जिनके साथ एक तरीके से आप कहो तो वो सेक्सटॉर्शन की विक्टिम बन गई है। हालांकि पूरा है तो कस्टम फ्रॉड ही, लेकिन इसमें हुआ क्या कि उन्होंने स्कैमर्स को अपनी पर्सनल वीडियोस और फोटोज शेयर कर दी जो उनको कहीं शेयर नहीं करनी थी। वो ये सारी चैट और इन्फॉर्मेशन है जो आप जानते हैं मैं इंटरनेट पे शेयर करता हूँ कभी भी किसी से मेरी बात होती है, ताकि आप में से कोई ऐसी चीज़ों के विक्टिम ना बने, कोई और ऐसा कुछ ट्रॉमा फेस ना करे अपनी रियल लाइफ अपनी लाइफ में। मैं बिल्कुल नहीं चाहता किसी के साथ ऐसा हो, इसीलिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। और इस वीडियो को एंड तक देखें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मैं हमारे देश में हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम को रोक सकूं, क्योंकि पुलिस अकेली नहीं रोक पाएगी जब तक हम खुद एक दूसरे को जागरूक नहीं करेंगे। जैसे कोविड में हमने एक दूसरे को बताया ना और भगाया, ऐसी हमें इस चीज़ में भी ज़रूरत है, हम खुद एक दूसरे को बताएं इन फ्रॉड्स के बारे में, स्कैम के बारे में। मेरे पास मैसेज आता है, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ शेयर योर नंबर। मेरे लिए आज की डेट में ये नॉर्मल मैसेज है, क्योंकि मेरे पास डेली 300 से 400 ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे साथ फ़ौरन गिफ्ट का एक फ्रॉड हुआ है, रुपये तो नहीं दिए मैंने पर मेरी कुछ पिक्स शेयर कर दिए मैंने जो ज़िंदगी में शेयर नहीं करनी चाहिए थी। उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर लोग इस लाइन का मतलब समझ चुके हो। मुझे हर मिनट डर लग रहा है, अब बस फ्रॉड ने पिक्स वायरल कर दी करने की धमकी दी है, मैं क्या करूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जब एक लड़की ये बात कह रही है ना, तो आप सोच सकते हो कि वो बेचारी उस टाइम किस ट्रॉमा से, किस प्रेशर से। इवन बीइंग अ बॉय ना, मेरे लिए भी अगर मैं अपने को उस लड़की की जगह रख के देखूँ ना, तो मेरा भी दिमाग एकदम ब्लैंक ब्लैकआउट हो जाता है कि भाई करना क्या है, अब क्या करना चाहिए। वो पुलिस पे जाती है तो उसको डर ये है कि FIR होने से पहले वहाँ पे उसको ज्ञान ना मिल जाए कि तुम इतने समझदार हो, पढ़े लिखे हो, है ना। और दूसरा, अगर घर पे पता चल गया तो पता चला उसकी रही सही लाइफ ही स्पॉइल हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए ये वीडियोज़ में बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को, फैमिली के लोगों को शेयर करो, ठीक है। गाली नहीं बकरा मैं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कॉमेडी वीडियो आप शेयर करते हो ठीक है, लेकिन इनको भी करो, ताकि वो हमेशा उन कॉमेडी वीडियोस को देख के खुश रहे। पता चल रहा है अंदर ही अंदर बच्चा सुसाइड प्लानिंग कर रहा है। मैं ऐसे बहुत लोगों से बात कर चुका हूँ, इसीलिए मैं बस शॉर्ट में इतनी लाइन कहूँगा जो कह गया आगे कह भी नहीं सकता। ये फेक एक प्रोफाइल बनाएगी ऑलिवर नाम से, एक्चुअली ये व्हाट्सएप नंबर है। ये जो आपको नंबर दिखता है ना, ये फॉरेन का नंबर है। आप गूगल पे जाना, सर्च करना डिस्पोजेबल नंबर, आपको ऐसे नंबर ना हज़ारों की तादाद में मिल जाएंगे। लिख देना USA, UK, ठीक है, या ये 44 जहाँ का भी आपको इंटरनेशनल कोड लगता हो उस कंट्री का नाम लिखना। ये नंबर आपको अंगूर के दाम मतलब दर्जन के रेट में मिलेंगे कि फ्री में ले लो, कोई टेंशन नहीं। आई एम काइंड ऑफ हार्ट एंड मैन, एंड ये तो टैग लाइन है लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए लिखी गई है, ऑलिवर एवा। और उसके बाद इनने ये अपना अकाउंट बनाया है और आई एम काइंड ऑफ, ये सब देखो सेम लाइन सेम लाइन, ये आपको डाउट होना चाहिए। इसके बाद इसने 50 पोस्ट करी है, 368 फॉलोवर, और खुद फॉलो कर रहा है 357 लोगों को, और लिख के दे रहा हूँ ये 357 में से 357 लड़कियाँ ही होंगी सर। और जो ये लोग लड़कियों के नाम से आईडी बनाएंगे उसमें लड़के होंगे। खैर, लड़कों को तो इनको फॉलो भी नहीं करना पड़ता, एक कमेंट सेक्शन में जाके एक सेक्सी सी कमेंट करते हैं, अपने आप सब ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं, जैसे अकाउंट इज़ प्राइवेट। और उसके बाद ये सारी चीज़ें चली, तो मेरे पास इन्होंने कुछ स्क्रीन शॉट शेयर करें, वो देखो आप। स्वीट हार्ट, आई डिड दिस टू मेक यू हैप्पी, इनने जो गिफ्ट भेजे उसके लिए, काइंडली अरेंज द मनी एंड सेटल डाउन देम, ओके, जो मैंने तुझे गिफ्ट भेजे हैं तू उसको ले ले यार, और अदरवाइज ठीक है। तो इनने बोला जो मैम है कि देख, मैंने कोई गिफ्ट वगैरह मंगाई नहीं है और तुम जानते हो आई वुड रिफ्यूज, डेफिनेटली रिफ्यूज योर गिफ्ट, आई एम नॉट एबल टू पे, कैन यू कन्फर्म मी यू आर डैनियल, और उसके बाद प्लीज़ येस डार्लिंग मैं ही हूँ ये डैनियल वगैरह, ओके बेबी, ये सब बातचीत होती चल रही इनकी, स्वीट हार्ट हैव यू, और उसके बाद यहाँ पे ये सब चलता रहा। आई टोल्ड यू डैट आई हैव डिसएक्टिवेटेड माई अकाउंट, इसका पुराना नंबर बंद हो गया एक्चुअल में ना, इसी वजह से, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट की किसी ने रिपोर्ट कर दी होगी तो वो अकाउंट इंस्टाग्राम ने सस्पेंड कर दिया। आई कांट रिसीव मैसेज नॉर पेंडिंग रिक्वेस्ट, बट आई कांट अंडरस्टैंड वाट यू से, आई सेड डैट आई डीएक्टिवेटेड माई अकाउंट डैनियल, और ये वाला अकाउंट इन्हें डिलीट कर दिया। आई एम डॉटर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, आई नो फ्रॉड लाइक यू, मैं जानती हूँ तुम फ्रॉड हो,
एंड मुझे डराने की जरूरत नहीं, डोंट वेरी ओके दे आर कमिंग फॉर यू। मतलब इसने बोला भाई ने, ये देखो यहाँ योर न्यूड वीडियोस, आपको ये दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ कि जो तेरी मेरे पास न्यूड वीडियोस और पिक्चर्स है ना उनको मैं इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। तो इसने बोला कि डराने की जरूरत नहीं, तो इसने कहा कि ये सब आ रहे हैं, और फिर लास्ट में इंडिया के अंदर जो ये अनपढ़ स्कैमर होते हैं ना इनको एक ही नाम पता है, FBI, CBI, और इसके बाद वो भूल गया यार मैं, एक इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम होता है इंटरनेशनल क्राइम्स को हैंडल करना, उसका नाम यूज़ करते हैं ये। गुड, व्हाई आर यू डूइंग दिस फॉर मी, फॉर द मनी, आई लव यू, आई एम इन लव विद यू। मतलब ज़्यादातर लड़कियां मैं देखता हूँ स्कैमर्स के प्यार में पड़ जाती हैं। आज ही मेरी एक लड़की से बात हुई चंडीगढ़ से, उसको अपनी फ्रेंड की बहुत चिंता है, सीरियसली उसके मेरे पास बहुत मैसेज आए, और उसने अपनी फ्रेंड को बताया कि जिससे तू बात कर रही है ना वो एक स्कैमर है, और देख इस बंदे ने वीडियो भी डाली हुई है ऐसे स्कैमर के ऊपर। बट वो लड़की कह रही है कि वो मेरे से जेनुअन प्यार करता है, और वो अब तक उसको गिफ्ट के नाम पर 2 लाख रुपये भेज चुकी है, और अब भी उधार ले लेके दे रही है कि वो मुझसे मिलने आएगा। देखो यार ऐसा मत करो, समझो आपको लगता है आपकी लाइफ और इनकम फालतू है ना, तो अपने माँ बाप की सोचो जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करके आपके लिए आपको किसी लायक बनाया है। समझ रहे हो, उतना पैसा खर्च करना है ना, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आपको देने, मैं कहूँगा अपने पेरेंट्स का ना एक बिजनेस क्लास का टिकट कराओ और उनको कहीं टूर पे भेज दो, कम से कम उनको प्राउड तो होगा कि हाँ हमने अपने बच्चे अच्छे से पढ़ाए। पर अगर आपको पता चल गया है कि ये फ्रॉड है ना, तो उसको पेमेंट मत करो। आपको लगता है कि वो पैसों से आपके पास आएगा, सर वो 10 लोगों को फंसा रहा है, 2-2 3-3 लाख रुपये वो 10 लड़कियों से ले रहा होगा उस मैन वाइल उसी टाइम के अंदर में ना, जब आपको लग रहा है कि आपके 3 लाख 2 लाख खर्च करने पे आपके पास आपका प्यार आएगा, और एक्चुअल में जिसकी फोटो देख के आप फिदा हो ना, पता चला वो बंदर सी शक्ल का निकला कोई, वो फोटो वाला भी नहीं निकल रहा, ये भी समझो आप। उसके बाद आई एम रियली नॉट फेक डार्लिंग, और ये सारी यहाँ पे बातें चल रही हैं, पेज इज यूज पोस्ट ID चैट ओनली, स्वीट हार्ट डोंट से हाई साउंड, मतलब ये सब मत कहो। उसके बाद ये सारी बातें चलती रही, आई कैन प्लीज अंडरस्टैंड, कैन यू टेक योर पार्सल बैक प्लीज, यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट कर ली है, ये कह रहा है स्वीट हार्ट गो एंड मेक द पेमेंट हेयर फॉर देम नो सो दैट दे विल डिलीवर द पार्सल इमिडिएटली फॉर यू, और ये पार्सल कभी डिलीवर नहीं होगा बिलीव मी। उसके बाद बेबी आई हैव नो मनी, 75,000 इज बिग अमाउंट, ये बहन पहला एक अमाउंट पे कर चुकी है, हाउ कैन आई पे, सी कॉल मी इन डिफरेंट सिटी नॉट माई होम टाउन बेबी, ये सब बात चल रही है, और ये ओरिजिनल अकाउंट है जो इन्होंने खुद ही रिवर्स इमेज सर्च के थ्रू ढूंढ लिया है इस बंदे का, डोंट गिव एनी मनी इट इज़ अ स्कैम इट्स नॉट मी। और ये बंदा अच्छा है जिसने इनको रिप्लाई भी करा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग जो होते हैं रिप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि थक जाते हैं। गॉड व्हाई यू डूइंग दिस टू मी, फॉर गिव मी, आई एम इन लव, ये सब कुछ चलता रहा, और ये वही मिडिल फिंगर शो करी इसने कि पीपल लाइक यू आई कांट बिलीव, और इनने इसको कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर दिया। ये वो नंबर है जिससे कस्टम ऑफिस बन के कॉल करा जा रहा था इनको, अभी कह रहे हैं ये पर्सन बन के बात करता था, मैंने पिक्स अपने मोबाइल से डिलीट कर दी थी, अब मैं क्या करूँ। अब देखो दिल्ली से जो कॉल आई थी उसकी रिकॉर्डिंग इन्होंने मुझे भेजी होगी, मैं आज ही कुछ करता हूँ, और मुझे नहीं अब याद नहीं है मैंने क्या करा या क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराना डेटा है, बहुत ही पुराना, लाइक 3-4 महीने बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था एक लंबे टाइम के लिए, सर प्लीज़ मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। देखो कोई भी है ना, पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइफ किसी की ख़राब नहीं हो रही, और दूसरा किसी को भी आपका आपका रियल हस्बैंड है ना जिससे आपने शादी करी है उसको भी फ़ोन पर फोटो वीडियो मत भेजो, क्योंकि मान लो सपोज वो मूवीज़ देखने का शौकीन है बहुत ज़्यादा, नेटफ्लिक्स का शौक है, लेकिन 10 रुपये जेब से उसकी खर्च नहीं हो रहे, तो वो क्या करेगा, वो टोरेंट पे जाएगा किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा, वो एप्लीकेशन में बिना सोचे समझे अप्रूव कर देगा फाइल ये वो, और जैसे ही फ़ोन उसका हैक होगा, एक्चुअल में हैक नहीं होगा, उसने तो लूप हॉल दे दिया खुद ही ना वो डेटा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, अब वो क्या करेगा, बैक एंड में स्कैमर क्या है, आप तो यहाँ मूवी देख रहे हो लेकिन जितना डाउनलोडिंग हो रहा है उतना आपका डेटा अपलोड भी हो रहा है, और वो स्कैमर क्या कर रहा है, आपके सारे पर्सनल फोटो अपलोड कर रहा है, जहाँ उसको एक सेंसिटिव इमेज मिली आपकी फैमिली की, वहीं वो आपके डंडा करना शुरू कर देगा कि दे पैसे वरना ये पब्लिक कर दूंगा। तो ये बेवकूफ़ी मत करो, जो चीज़ आपको लगता है ना कि नहीं होनी चाहिए लोगों के सामने वो नहीं होनी चाहिए सर, सीधी सी बात है। अगर आपको लगता है ना आप बिकनी पहन के घूम सकते हो तो फिर बिकनी के 50 फोटो रखो, लेकिन आपको लगता है ना कि ये फोटो अगर किसी ने देख लिया मेरी इंसल्ट है तो मत रखो ना, क्यों रखने वो फोटो आपको अपने फ़ोन में, सौ बात की एक बात ये है, नॉर्मल इमेज से ही करना। मतलब क्या होता है, मेरे को डाउट होता है तो मैं क्या है आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा ये मैंने क्या कहा है। तो इन्होंने मेरे को अपनी फोटो वगैरह सेंड करी, मैंने वो सर्च करी तो इनकी कोई रिलेटिव इमेज नहीं मिली, साइबर क्राइम ने भी करी तो भी कोई रिलेटिव इमेज इनकी नहीं मिली इंटरनेट पर, तो ठीक है नहीं करूँगी अब जिंदगी में, कभी भी चाहे मर जाऊँ किसी को ऐसी पिक सेंड नहीं करूँगी। बिल्कुल मत करना, आप में से कोई भी लड़की ये वीडियो देख रही है प्लीज़ ये काम मत करना, मेरी बहुत लोगों से बात होती है और मैं जानता हूँ जब हमें पता चलता है ना वो फ्रॉड था तो क्या होता है। सर
एक यूट्यूबर है, उसने एक वीडियो बनाई है आज की जो हमारी जनरेशन है उसके ऊपर। वो वीडियो मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगा उसका लिंक। वीडियो तो ऑफकोर्स शेयर नहीं कर सकता, उसका लिंक शेयर करूंगा। उस बंदे ने बड़ी जेनुअन बातें कही हैं आज के लिए, आप टेंशन मत लो जी। जो कॉल आई थी दिल्ली कस्टम डिपार्टमेंट से उसने दिया था नंबर। और ठीक है, अपना ध्यान रखो। अब ये जो कस्टम डिपार्टमेंट, पहली बात, ये कोई कस्टम डिपार्टमेंट नहीं होता, ये कोई स्कैमर्स का ऑफिस होगा जहाँ से ये आपको कॉल कर रहे हैं। हाँ सर, ब्लॉक कर दिया है। और उसके बाद सर आपने सबको बोला है ना इस प्रोफाइल को रिपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ मुझे याद आ गया, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था। लगभग एक बहुत बड़ी फैमिली बन चुकी है व्हाट्सएप पे ना मेरी आज की डेट में, जहाँ पे मैं लगभग आप में से जो भी कोई कॉल करता है मैं वो नंबर सेव कर लेता हूँ। पहले डिलीट कर देता था, अब सेव कर लेता हूँ ताकि हम लोग यूनाइट होके इन चीज़ों के साथ लड़ सकें। तो जब भी किसी प्रोफाइल की मुझे रिपोर्ट करनी होती है मैं उसको स्टेटस पर लगाता हूँ और एक साथ हज़ारों लोग उसको रिपोर्ट करते हैं तो वो अकाउंट डिलीट हो जाता है। सेम मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, उसमें भी आप आ सकते हैं और मिलके हम लोग इन स्कैमर्स को रोक सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जब आपके भाई बहन, आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली के साथ कुछ हो तभी आप उस चीज़ के बारे में चिंतन करें, समझ रहे हो। अगर किसी के भी साथ वो घटना हो सकती है तो वो आपके साथ भी हो सकती है। अगर रोड पे किसी और का एक्सीडेंट हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, तो सावधान हमेशा रहो, समझ रहे हो आप। सर मैंने रियल डेनियल को भी मैसेज किया था इंस्टा पे, बता दिया, उसका रिप्लाई आया मुझे, बहुत सारी चैट हुई थी उनसे। वो बोले डोंट वेरी, वो पिक का कुछ भी नहीं करेगा, बस पैसों के लिए डरा रहा है। सही बात है, अगर वो वायरल करता है, कोई भी स्कैमर ऐसी फोटो वायरल करता है तो आपकी स्टेट पुलिस, दिल्ली पुलिस, भारत सरकार उसकी लेनी देनी कर देगी, ये सीरियस बात है, समझ रहे हो। पर आप उन लोगों की कंप्लेंट कर दीजिएगा सब जगह ताकि उनको पुलिस पकड़ सके। और आपने वीडियो कॉल की थी, वो शायद मेरे से गलती से हो गई होगी इनको, सॉरी वो गलती से। हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने उनको बोला कैसी हो आप, ये सब बात चली। तो ये पूरी ये एक पूरा एक केस था, इसको आपके साथ शेयर करने का मोटिव ये था कि आपको मेरी बातों पे यकीन हो जाए जो मैं कह रहा हूँ। अगर आपको अब भी लगता है ना, जिन लड़कियों को या जिन लोगों को ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वो कर सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, वो कहते हैं ना आपकी चॉइस है, आपको अगर कुएं में कूदना ही है तो आप कूद सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता, समझ लो। लेकिन अगर आपको लगता है ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मैं इतने सारे कंप्लेंट्स फाइल करता हूँ, इतने आर्टिकल्स लिखता हूँ ऑनलाइन स्कैम्स फ्रॉड्स के बारे में, पूरी मेहनत कर रहा हूँ इसको कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि अभी क्या है, अभी चीज़ें फ्रीली मेरे लिए कंटिन्यू कर पाना नामुमकिन हो चुका है, और आप चाहते हैं मैं ये कंटिन्यू करूँ तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ये मेरे इस काम को, बाय सपोर्टिंग एनी स्मॉल अमाउंट जो आपको लगता है कि हाँ मैं मिनिमम ये अमाउंट इस बंदे को डोनेट कर सकता हूँ इस काम के लिए। डिस्प्ले पे आपको QR कोड दिख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको UPI ID दिख जाएगी, जिसकी मदद से आप मुझे कोई भी एक स्मॉल अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। एट दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सपोर्टिंग मी। अब मेरा यहाँ पे काम खत्म हुआ, वो आपकी बारी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की। हाय मिस खारबानी, थैंक यू फॉर डोनेटिंग एंड सपोर्टिंग माई वर्क।